बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। देश में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज रहा है, वहीं दूसरी ओर बेटी को खोजने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 वर्षीय बच्ची तन्नु पुत्री श्री सत्यपाल त्यागी निवासी माधवपुरम सेक्टर 3 मेरठ शहर से लापता हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर भी पुलिस 13 दिन बाद भी उसे ढूंढ पाने में नाकाम सिद्ध हो रही है, जिसके चलते लड़की के परिवार वाले तथा राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस मौके पर गायब हुई लड़की की बहन सपना भी मौजूद थी, जिसने बताया कि ब्रह्मपुरी थाना पुलिस बहन पर ही बहन को गायब करने का इल्जाम लगा रही है। सपना ने यह भी कहा कि ब्रह्मपुरी थाने में तैनात दारोगा वीरपाल और कांस्टेबल पिंकी बदसलूकी करते हैं और थाने बुलाकर सपना की पिटाई भी कांस्टेबल पिंकी ने की है। पीड़ित परिवार थाने व एसएसपी से भी अपील कर चुके हैं, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का कोई अता पता नहीं है। आइए जानते हैं लड़की के पिता का क्या कहना है। मेरी लड़की पिछले 13 दिन से लापता है, एफआईआर करवाई मैंने 15 तारीख को, 14 से लापता है मेरी लड़की। पुलिस वालों ने ये तपते रहो तो ये कार्रवाई नहीं दी किसी भी तरह की, तो ये फिर जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो उन्होंने धुंध बांध दी, आस पास से लड़ते थाने चालू करे। फिर उसके बाद 23 दिन लोग मुझसे रात तू था दिन में था पूरे पूरे दिन थाने बता रहे मुझे। 3 दफा मेरी लड़की बड़ी लड़की से पूछताछ करी, एक दफा कर लो रात तो आ रहे 10 बजे तो ये बात नहीं सर पूछो। परसों मैं सीओ साहब के पास था, घर पर पुलिस वाले आए, मेरी लड़की बड़ी लड़की उठा दे ले आ जैसे मारछेद तेरी, इसके हाथ में फते जो घर से हाथ से वैसे इससे वो है परेशान, इसे पुलिस वालों ने मारा। तुम पूछ रहा उसका बाप नहीं है माँ नहीं है ना, पापे पापा फोन कर लूँ? नहीं नहीं पापा फोन मतर बैदारी में हम सीओ साहब के पास है उतना मुझे तू 4 घंटे पुलिस चौथे बैठा जाता है, इन्होंने बंदी बनाया था, बंदी बनाना जब बैठा था नहीं जब भाई बतो जाना जब भाई मैं छोड़ू 3 लूँ मेरी लड़ती जाए है, मैं 13 दिन से परेशान हूँ सबके पास चला जाता हूँ, सुनवाई नहीं रहेंगी जो जब जैसा ऐसा हिसाब दो इंचार्ज जब आ जा हाँ जीता जी वहाँ चल रहा फोन तेज वहाँ आना है, अब तल से नहीं आ रहे नहीं तो रोज रात में वहाँ चलना, एक दिन रात तू मुझे ले जाते हैं जो है 2:30 बजे पुलिस चौथे छोड़ दे जाओ उधर, तू 2:30 बजे रात तू मैं आ रहा हूँ अपने घर पर, तो मुझे बदमाश मिल जा चोर मिल जा वो तो ही मिल जा तो मैं कहाँ जाऊँगा हैं, घर वालों पता पुलिस वाले साहब तो रस्ते मुझे मार देगा। तो 2:30 बजे पुलिस वालों ने मुझे जीप से उठा दिया, बोले आप जाओ जी उधर तू जो आधा 1.25 किलोमीटर मैं पैदल चल जा रहा हूँ रात को 2:30-3 बजे, फिर मैं बर्दाश्त आया चल मेरी लड़ती मिल जा लड़ती मिल जा, पर 13 दिन अभी तो सुरराज नहीं मिल रहा, एक लड़की थी फुतेज मिली ना उन्होंने उन्हें पास चीता था छोड़ दिया पहले तीसरा छोड़ा, हमारी माँ है जी हमारी मेरी लड़की मिल जाओ बस मुझे जी शासन प्रशासन यही मेरी माँ है आप मेरी लड़की ला दो कहीं से धूम चला दो। आइए जानते हैं सपना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या बताया। जी सपना त्यागी जी माधवपुरम सत्य सर अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए उसे ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर दिएगी सर। जी जी सर कुछ नहीं आते हैंगे बातें करते हैं गंदी गंदी बना के जाते हैंगे, और अभी परसों पहले दिन आए थे पहले तो लेडीज कांस्टेबल पिंकी है उसने कार में मारे 3-4 थप्पड़ मेरे, फिर अंदर जाके थाने में मारते आएंगे और बोलते आएंगे मुझसे बुलवाते हैं कि तूने तेरी बहन को गायब करा है जी क्या करेंगे जाके थाने में हंगामा करेंगे और क्या करेंगे, और इस मामले में पूरा देश हमारे साथ है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहन को जल्दी से जल्दी ढूंढें।